पर आप देख सकते हैं कि शलजम जो से वो गल गए हैं। अब इसी शलजमों को मैं सालन के अंदर शामिल कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अच्छे से मिक्स करके हम लोग इसको पका लेते हैं। अच्छा खारे थे इसलिए मैंने इसका पानी जो है वो निचोड़ दिया, लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर चीनी भी शामिल करनी है। वेलकम बैक व्यूवर्स, हम आपको मैं जैकुकी विद नाज़िम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और आज हम आपके लिए सीजनल रेसिपी शलजम गोश्त की लेकर हाजिर हुए हैं। यहाँ पर मैंने जो है 1 kg गोश्त दिया है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच लहसुन, अदरक और इसके अलावा मैंने नमक, हरी मिर्च और हल्दी, लाल मिर्च 1-1 चम्मच डाल दिया है, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं प्याज और टमाटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पहले मैंने जो है गोश्त को पकने के लिए रख दिया, क्योंकि आपको पता है गोश्त को पकने में थोड़ा सा टाइम लगना है, और आजकल गैस का भी बहुत ज़्यादा मसला हुआ हुआ है, तो इसी दौरान हम लोग जो है वो शलजम तैयार कर लेते हैं और गोश्त को मिक्स करके एक उबाला दिलाकर पकने के लिए रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर मटन लिया है, अगर आप लोग चाहें तो उसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो अभी मैं इसको मिक्स करके उबाला दिला के ढक के पकने के लिए रख रही हूँ, और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है शलजम है ना वो काट ली है, इस शेप में मैंने इसको काट लिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिया है पानी, तो इन शलजमों को हम लोगों ने इन पानी के अंदर डाल के जो है पकने के लिए रख देना है। तो फिर जब देखते हैं कि शलजम कितने हमारे तैयार हो गए हैं, पकने लग गए, ठीक है। तो अब मैं जो है इसका पानी निकाल देती हूँ, फिर इसके अंदर जो है मैं पालक डाल के इसको दोबारा पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ये शलजम जो है वो खारे खारे से होते हैं ना, वो उसके बद जायका से फिर हो जाते हैं, तो उसके पानी को मैं निकाल के फिर इसके अंदर पालक शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैंने ये जो पालक है इसमें शामिल कर दी है, शलजम मैंने निचोड़ ली है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करके फिर पकने के लिए रख देना है। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि शलजम जो है वो गल गए हैं, अब इसी शलजमों को मैं सालन के अंदर शामिल कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अच्छे से मिक्स करके हम लोग इसको पका लेते हैं। अच्छा खारे थे इसलिए मैंने इसका पानी जो है वो निचोड़ दिया, लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर चीनी भी शामिल करनी है। तो पहले मैं इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसके अंदर थोड़ी जो है चीनी है वो शामिल करके इसको पकने के लिए मज़ीद रख देती हूँ। तो व्यूअर्स अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लिया है शलजम को गोश्त के अंदर, और हम इसको पकने के लिए रख रहे हैं। तो व्यूअर्स ये देखें बिल्कुल फाइनल हो गया है, इस पर घी भी आ गया है, तो अब इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आई होप कि शलजम गोश्त की जो सी रेसिपी आपके साथ हमने शेयर की आपको पसंद है, कि पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक जरूर दें, और हमारे को भी दादा को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।